पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना रोकी। अमेरिका के दबाव में पाक ने उठाया कदम। ईरान ने नोटिस की वैधता को दी चुनौती। पाकिस्तान ने पड़ोसी देश ईरान से किफ़ायती दर पर गैस का आयात करने के लिए अरबों रुपए की गैस पाइपलाइन परियोजना अस्थायी रूप से रोक दी है। मीडिया में सोमवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। ऐसा लगता है कि उसने अमेरिका के दबाव में यह कदम उठाया है, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मदद से नकदी संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज दिया है, कर्ज की सहमति दे दी है। इस परियोजना की शुरुआत में भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के रूप में कल्पना की गई थी, लेकिन बाद में भारत इससे अलग हो गया और यह पाकिस्तान ईरान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना बन गई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से पाकिस्तान को पाइपलाइन के निर्माण से रोक दिया है। डॉन अखबार ने बताया है कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना पूरी करने पर अपनी संविधात्मक बाध्यता निलंबित करने के वास्ते एक नोटिस जारी किया और कहा है कि वह ऐसे कुछ कारणों से यह कदम उठा रहा है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। अखबार में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध जारी रहने तक इस परियोजना पर आगे बढ़ने में अपनी असमर्थता जताई है।